हेलो गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फिट एंड फाइन एट योर होम। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड अवर फर्स्ट लेसन। इट्स हैपेंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड लेसन नेम्ड चिल्ड्रन एट वर्क। प्रिय विद्यार्थियों, हम हमारी बुक इट्स हैपेंड का फर्स्ट लेसन है वो कंप्लीट कर चुके हैं, उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए। आज हम इसका सेकेंड लेसन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेसन का नाम है चिल्ड्रन एट वर्क, बच्चे काम पर। देयर आर मैनी रीजन्स, बहुत से कारण हैं व्हाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क, कि बच्चे काम क्यों करते हैं। देयर आर मैनी रीजन्स व्हाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क, बहुत से कारण हैं कि बच्चे काम क्यों करते हैं, यानी ऐसे बहुत से काम हैं कि बच्चों को काम क्यों करना पड़ता है। सम हेल्प देयर फैमिली, सम कुछ हेल्प सहायता करते हैं देयर फैमिली, अपने परिवार का। मेक ए लाइवलीहुड, आजीविका बनाने के लिए, आजीविका कमाने के लिए। सम हेल्प देयर फैमिली मेक ए लाइवलीहुड, कुछ अपने परिवार की जीविका कमाने में उनकी सहायता करते हैं, उनकी मदद करते हैं। यानी कुछ बच्चे इसलिए काम करते हैं कि वो अपने परिवार की आजीविका कमाने में उनकी हेल्प करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। अदर्स, कुछ अन्य, हु रन्स अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स, जो कि अपने घर से, अनहैप्पी होम्स या घर में उनको खुशी नहीं मिलती और वो घर से भाग जाते हैं। सम हु रन अवे, कुछ जो कि भाग जाते हैं फ्रॉम अनहैप्पी होम, अपने घर से नाखुश होने की वजह से, कुछ अपने घर से खुशी नहीं मिलने की वजह से घर से भाग जाते हैं। नीड टू सपोर्ट देमसेल्फ, को स्वयं को सपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। नीड तो उनको ज़रूरत होती है, तो सपोर्ट होता है सहारा देने की, आश्रय देने की। देमसेल्फ तो स्वयं को आश्रय देने की या स्वयं को सहारा देने की ज़रूरत होती है। यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने घर से भाग जाते हैं, घर में उनको खुशी नहीं मिलती और फिर उनको अपने आप को सहारा देने की ज़रूरत होती है, आवश्यकता पड़ती है। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क, चिल्ड्रन बच्चे हु हैव टू वर्क, जिनको काम करना पड़ता है। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क, बच्चे जिनको काम करना पड़ता है, कांट गो टू स्कूल, स्कूल नहीं जा सकते, एंड प्ले और खेल सकते, लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज, अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज, बच्चे जो काम करते हैं वो दूसरे बच्चों की तरह पढ़ नहीं सकते, स्कूल नहीं जा सकते, और अपने उम्र के दूसरे बच्चों की तरह खेल नहीं सकते। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल, वो बच्चे जो काम करते हैं वो स्कूल नहीं जा सकते, एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज, और अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह खेल नहीं सकते। वेलू एन 11 ईयर ओल्ड बॉय, जो कि एक 11 वर्ष का लड़का है, रन्स अवे फ्रॉम होम, घर से भाग जाता है। तो ये पानी किसके बारे में है डियर स्टूडेंट्स? दिस स्टोरी इज अबाउट ए बॉय नेम्ड वेलू एंड ही वॉज 11 ईयर्स ओल्ड, और वह कितने वर्ष का था? 11 वर्ष का था। वन डे ही रन्स होम टू द सिटी ऑफ चेन्नई, एक दिन वह अपने घर से चेन्नई शहर में भाग जाता है। वेलू 11 वर्ष का लड़का रन्स अवे फ्रॉम होम, घर से भाग जाता है। ही वंडर्स अराउंड, वह इधर उधर घूमता है फॉर आवर्स, घंटों तक। ही वंडर्स अराउंड फॉर आवर्स, वह घंटों तक इधर उधर घूमता है। बिफोर गेटिंग ऑन ए ट्रेन, एक ट्रेन पकड़ने से पहले, यानी एक ट्रेन में चढ़ने से पहले, टू चेन्नई के लिए, विदाउट ए टिकट, बिना टिकट के। ही वंडर्स अराउंड फॉर आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन ए ट्रेन टू चेन्नई विदाउट ए टिकट, वह घंटों तक बिना टिकट के चेन्नई जाने वाली ट्रेन में चढ़ने से पहले इधर उधर भटकता है, इधर उधर घूमता है। वंडर होता है भटकना, घूमना। टायर्ड एंड हंगरी, वह थका हुआ और भूखा है। टायर्ड एंड हंगरी, वह थका हुआ और भूखा है। ही डजंट नो, वह नहीं जानता वेयर टू गो, कि कहाँ जाए। टायर्ड एंड हंगरी, ही डजंट नो वेयर टू गो, वह थका हुआ और भूखा है और वह नहीं जानता कि वह कहाँ जाए। वैन, जब,
स्ट्रेंजर एक अजनबी एट द स्टेशन स्टेशन पर साउट चिल्लाता है ए वर्ड एक शब्द और वेलकम स्वागत का व्हेन स्ट्रेंजर एट द स्टेशन साउट ए वर्ड ऑफ वेलकम तब एक अजनबी स्टेशन पर स्वागत के शब्द बोलता है यानी वेलू को पता नहीं पता कि वो कहाँ जाए पर तब क्या होता है स्टेशन पर एक अजनबी है वो स्वागत के शब्द अब बोलता है व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल रुकती है इन एट चेन्नई सेंट्रल पर व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल इन एट चेन्नई सेंट्रल जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल पर रुकती है यानी ये किसका नाम है कन्याकुमारी एक्सप्रेस ये ट्रेन का नाम है डियर स्टूडेंट्स ये कन्याकुमारी एक्सप्रेस एक रेलगाड़ी है और वो चेन्नई सेंट्रल स्टेशन के ऊपर जाकर रुकती है व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल इन एट चेन्नई सेंट्रल जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल पर रुकती है इट टुक वेलू को लगता है सम टाइम कुछ समय टू गेट ऑफ नीचे उतरने में वेलू को नीचे उतरने में कुछ समय लगता है व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन जब ही है फाइनली अंत में स्टूड खड़ा हो जाता है उतर जाता है ऑन द प्लेटफॉर्म पर व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म जब वह अंत में प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाता है हिज लेग्स उसकी टांगें फेल्ट महसूस होती है उसको लगती हैं वॉबले का मतलब होता है लड़खड़ाना हिज लेग्स फेल्ट वॉबले तो उसकी टांगें लड़खड़ाती हैं एज इफ मानो ही वॉज स्टिल वह अब भी था ऑन ए मूविंग ट्रेन मूव करती हुई यानी चलती हुई ट्रेन गाड़ी में यानी रेलगाड़ी में हिज लेग्स फेल्ट वेबली उसकी टांगें इस प्रकार लड़खड़ा रही थी एज इफ मानो ही वॉज स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन वह अब भी एक चलती हुई गाड़ी में था ओए आउट ऑफ द वे अरे रास्ते से दूर हटो ये वेलू को किसी ने बोला है जब वेलू वहाँ खड़ा हुआ था तो किसी ने वेलू को क्या बोला है डियर स्टूडेंट्स ओए आउट ऑफ द वे अरे रास्ते से हटो ए पोर्टर होता है कूली पोर्टर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कूली को पोर्टर बोलते हैं एक पोर्टर जा रहा था विद ए लोडेड होता है भरी हुई यानी वजन से भरी हुई सामान से भरी हुई ट्रॉली के अंदर ट्रॉली सामान लाने ले जाने का जो यंत्र होता है प्लेटफॉर्म पे उसको हम अपनी भाषा में भी देखो जो ट्रैक्टर होते हैं उनके पीछे ट्रॉलियाँ होती हैं अपने घरों में भी होती हैं खेत वगैरह से सामान लाने ले जाने के लिए ए पोर्टर वेंट बाय विद ए लोडेड ट्रॉली उसके पास से एक भरी हुई ट्रॉली के साथ एक कूली निकला यानी ये किसने कहा था एक कूली जो कि एक भरी हुई ट्रॉली के साथ सामान से लदी हुई ट्रॉली के साथ उसके पास से निकला था उसने वेलू को कहा था ओए आउट ऑफ दी वे अरे रास्ते से हटो वेलू जंप होता है उछलकर एसाइड होता है एक तरफ होना एसाइड का मतलब एक तरफ होना वेलू जंप एसाइड वेलू उछलकर एक तरफ हो गया थैंक यू हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स आगे का हम कल करेंगे बड़ा वीडियो आप तक डाउनलोड नहीं हो पाता इसलिए नेक्स्ट पार्ट है वो कल करेंगे